students, Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Mehra, your history teacher. We are studying about chapter 9, the Industrial Revolution. Our next topic is protest movement. यानी कि कौन कौन से मूवमेंट है जो रेड्स है पीस एंड है वर्कर्स है उनके द्वारा चलाए गए थे. जब क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई इंग्लैंड के अंदर तो स्लेवरी सिस्टम के कारण या आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि वर्कर्स वगैरह काफी प्रॉब्लम्स हो गई तो उस वजह से क्या है उनके द्वारा काफी प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाए गए. तो वो मूवमेंट कौन कौन से थे जो उनके द्वारा मेनली 1770 से लेकर के क्या है 1800 तक किए गए. तो फर्स्ट है ब्रिट और फूड रेड्स 1790 के अंदर क्या है जो वहां के वर्कर्स थे या मेनली सिंपल जो हम कह सकते हैं कि पीसेस वगैरह थे तो उन्होंने क्या है ब्रेड और फूड के लिए दंगे किए थे. मतलब क्योंकि बेसिक नीड्स होती है देखो ब्रेड और फूड क्या होती है एक मतलब किसी भी कैटेगरी का पर्सन हो उसकी एक बेसिक नीड्स होती है. उसकी अगर बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं होगी तो वो क्या कर सकता है वो रेवोल्यूशन ही करेगा. तो इसलिए उनकी ये जो बेसिक नीड्स है ब्रेड और फूड की वो कंप्लीट नहीं हो रही थी. क्यों नहीं हो रही थी क्योंकि उनकी जो प्राइसेस है ब्रेड के और फूड के वो लगातार इंक्रीज हो रहे थे. उनके इंक्रीज होने के बाद उनकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी थी उनके प्राइस इतने बढ़ चुके थे कि जो सिंपल पर्सन है कॉमन पर्सन है वो उनको खरीद नहीं पा रहा था. तो इस वजह से उन्होंने क्या है ब्रेड और फूड रियोज वहां पर स्टार्ट हुआ 1790 के अंदर. ये काफी लंबे समय तक चला 1840 तक भी क्या है इस तरह की क्या है काफी चले. 1795 जो है वो इसका मेन ईयर माना जाता है जिसमें काफी मतलब एक लंबे समय तक इस तरह के क्या है दंगे होते हैं. तो इसके अंदर क्या है उन्होंने जितने भी क्या है ब्रेड्स वगैरह की शॉप वगैरह थे उनको लूटना स्टार्ट कर दिया था. जो फैक्ट्रीज वगैरह थी उनको लूटना स्टार्ट कर दिया था. तो ये सिचुएशन आ गई. नेक्स्ट है एंक्लोजर. एंक्लोजर का मतलब होता है चकबंदी यानी जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको एक जगह पर इकट्ठे करना वो क्या कहलाता है एंक्लोजर का. 1770 के अंदर क्या है ब्रिटेन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया गया था जिसके अकॉर्डिंग पूरी ब्रिटेन के अंदर क्या किया गया था एनक्लोजर सिस्टम को स्टार्ट किया गया चकबंदी को. यानी कि छोटे किसान जो थे जिनके पास भूमि का छोटा छोटा टुकड़े थे या एक या दो एकड़ जमीन थी उनकी सारी की सारी जमीन लेकर किन को दे दी थी जो लैंडलॉर्ड थे उनको दे दी गई थी. यानी उनके जो बड़े टुकड़े थे उनके साथ उनको मिला दिया गया था. इससे क्या हो गया कि जो पीसेंट्स थे जो अपनी खेती खुद करते थे जिनके पास भूमि के छोटे टुकड़े थे उन्होंने क्या है इनके अगेंस्ट मूवमेंट कर दिया अपनी इसको जमीन को बचाने के. नेक्स्ट है डिमांड ऑफ मिनिमम वेजेस 1790 के अंदर कॉटन मिल्स मेनली जो कॉटन मिल्स थी यॉर्कशायर के अंदर लंकेस्टर के अंदर काफी कॉटन मिल्स थी तो उन्होंने क्या है मिनिमम वेजेस की डिमांड उठाई. क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वुमेन्स है चिल्ड्रंस है या वर्कर्स है उनको क्या है काफी कम मजदूरी दी जाती थी. तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें क्या मिनिमम वेजेस का एक राइट मिलना चाहिए कि कम से कम हमारी क्या हो फिक्स होनी चाहिए कि इससे कम क्या है वेजेस आपको नहीं मिलेगी. तो इसके लिए उन्होंने क्या है एक तरह से मूवमेंट चलाया लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया. नेक्स्ट है जनरल लुडिशियम मूवमेंट. इसको लुडिशियम मूवमेंट के नाम से जानते हैं जिनको जनरल लैंड लूड ने चलाया था 1811 से लेकर के 17 तक. इन्होंने क्या है जो वर्कर्स है उनके लिए डिमांड उठाई कि उनको भी क्या है राइट्स होने चाहिए उनकी मिनिमम वेजेस फिक्स होनी चाहिए उनके क्या है जो काम वगैरह के जो हावर्स है वो फिक्स होने चाहिए. तो इस तरह से क्या उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए. तो इस तरह से इनके द्वारा एक मूवमेंट चलाया था जो काफी लंबे समय तक चला. इसका भी क्या है गवर्नमेंट के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ा. जो लिबरेशन पार्टी थी इंग्लैंड के अंदर उन्होंने क्या है इसके बाद उनकी बात को सुना भी आने वाले इलेक्शन के लिए. नेक्स्ट है सेंट पीटर्सफील्ड 1890 के अंदर क्या है सेंट पीटर्सफील्ड यानी सेंट पीटर्स के नाम से एक वहां पर क्या था पार्क था. यानी उस जगह क्या है 80,000 के आसपास 80,000 के आसपास क्या है वर्कर्स और पीसेंट्स है वो इकट्ठा हुए थे अपनी डिमांड उठाने के लिए. यानी कि उनको भी क्या दिया जाना चाहिए राइट्स दी जानी चाहिए उनकी मिनिमम वेजेस फिक्स होनी चाहिए इस तरह से. उनमें से ज्यादातर जो लोग थे या ज्यादातर जो वर्कर्स थे वो कॉटन मिल्स थे और उन्होंने अपनी मतलब राइट्स के लिए अपनी डिमांड के लिए वहां पर क्या है इकट्ठी हुई. तो ये उनके द्वारा प्रोटेस्ट मूवमेंट किए गए. अब जब ये मूवमेंट किए गए तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए यानी मेजरमेंट टेकन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने क्या किया क्या उनकी मूवमेंट को माना या नहीं माना. वैसे तो 1890 के बाद क्या है 1819 के बाद ब्रिटेन के अंदर काफी एक्ट आते हैं जिससे क्या है इनकी इमेज के अंदर सुधार आता है या वर्कर्स के राइट्स के अंदर सुधार आता है. लेकिन इससे पहले भी उन्होंने कुछ स्टेप उठाए थे
कुछ चीज को दबाने के लिए, मूवमेंट को खत्म करने के लिए, लोगों को प्रेशराइज करने के लिए, वर्कर्स को प्रेशराइज करने के लिए मूवमेंट किए। तो फर्स्ट है 1905 के अंदर टू कॉम्बिनेशन एक्ट पास किया गया, यानी 1795 के अंदर क्या है, टू कॉम्बिनेशन एक्ट पास किया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इसके अंदर क्या था कि जो भी क्या था वहां का एम्पायर था, या जो भी क्या है वहां का राजा वगैरह था, किंग वगैरह था, या जिनको जिसके मतलब पावर होती थी, उसके अगेंस्ट ना तो कोई स्पीच दे सकता है और ना किसी प्रेस के अंदर क्या कुछ भी उसके खिलाफ क्या है राइट किया जा सकता है। तो ये टू कॉम्बिनेशन एक्ट क्या है पास कर दिया गया। इससे क्या है, जो प्रेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि एक तरह की सेंसरशिप लगा दी गई कि प्रेस अपनी मर्जी से कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकती। दूसरा, कोई भी लोग क्या है मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ भी हम कह सकते हैं कि नहीं बोल सकते। सेकंड, उन्होंने कहा कि बैन 50%। और इसके साथ ही इसी एक्ट के साथ उन्होंने कहा कि पूरे ब्रिटेन के अंदर कहीं पर भी क्या है 50% से ज्यादा क्या है लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, कि इस जगह पर उनकी गैदरिंग को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया। नेक्स्ट है रिड्यूस डिमांड ऑफ मिनिमम वेजेस। जो मिनिमम वेजेस की डिमांड उठाई गई उनको इनकार कर दिया गया। वो लगातार स्ट्राइक कर रहे थे लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आपकी मिनिमम वेजेस की जो डिमांड है वो क्या बिल्कुल गलत है और इस तरह की कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। जो क्वार्टर मिल्स जिसके अंदर जिस वेजेस के अंदर क्या आपसे काम करवा सकती है वो करवा सकती है, वो उनका क्या है पर्सनल राइट है। तो इसलिए पार्लियामेंट के द्वारा जो उनकी डिमांड उठाई जा रही थी मिनिमम वेजेस की, वो भी क्या कर दी गई, बंद कर दी गई अगेंस्ट द रिवोल्ट इन यॉर्कशायर। तो जो यॉर्कशायर के अंदर क्वार्टर मिल्स के जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक की थी, तो उनके अगेंस्ट भी क्या है यॉर्कशायर के अंदर एक गवर्नमेंट के द्वारा उनको मतलब ये कह सकते हैं कि दमनकारी नीति के द्वारा उनको क्या है दबा दिया गया, 9 के पास को हैंग कर दिया यानी फांसी की सजा दे दी गई, लगभग 450 को क्या कर दिया गया था, कन्विक्ट कर दिया गया था, जेल भेज दिया गया था। तो इस तरह से इस मूवमेंट को भी क्या है दबा दिया गया। नेक्स्ट है पास 6 एक्ट। तो इसके जो क्या है जनरल लूट ने जो क्या है एक मूवमेंट चलाया था लूडिज्म मूवमेंट, उसके अगेंस्ट क्या है एक एक्ट पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जिसको पास 6 एक्ट भी बोलते हैं। क्योंकि जो इनके द्वारा मूवमेंट चलाया गया था उसमें क्या काफी लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद भी क्या सेंट पीटर्स में 1819 के अंदर क्या है लोग 80,000 के आसपास इकट्ठा हुए थे, उनमें काफी को क्या है डेथ भी हो जाती है क्योंकि जो स्पोय वगैरह या ट्रूप्स वगैरह है उनके ऊपर क्या है गवर्नमेंट की तरफ से क्या है गोलियां वगैरह चलाने का भी आदेश देते हैं। तो उनके मूवमेंट के ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते हैं तो उनको क्या है लूडिस लू मैसेज के नाम से जानते हैं, यानी कि हत्याकांड एक तरह से हम कह सकते हैं, जिस तरह जलियांवाला बाग का हत्याकांड है गया तो उसी तरह से इस तरह का मूवमेंट वहां पर क्या है मतलब जो चल रहा था। तो इस तरह की इवेंट्स से घटित हुई कि काफी लोगों की वहां पर डेथ हो जाती है। तो इसके अगेंस्ट क्या है एक पास 6 एक्ट कर दिया जाता है कि दोबारा से क्या है इस तरह लोग कहीं पर भी गैदर नहीं होंगे बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। तो ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये किसके अगेंस्ट है कि जो मूवमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर्स ने मूवमेंट चलाए थे उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए थे। वो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू।